IIMT परिवार की ओर से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं तनु जांगिड़ आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन अध्यापकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इस दिवस को यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संयुक्त बैठक की स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें अध्यापकों की स्थिति पर चर्चा हुई थी। 1994 के बाद से प्रतिवर्ष 100 से अधिक देशों में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आज के दिन चक्रवाती तूफान में गई थी 60,000 से अधिक लोगों की जान। पश्चिम बंगाल में 5 अक्टूबर 1864 को भीषण चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 60,000 से अधिक लोग मारे गए थे। तूफान के गुजर जाने के बाद हजारों लोगों ने संक्रमण के चलते जान गंवाई थी। कलकत्ता शहर में भीषण बाढ़ आ गई थी और खेजूरी व हिजली बंदरगाह पूरी तरह तबाह हो गए थे। इसे फिर से बनाने में कई साल लग गए थे। इसके बाद 1865 में देश में पहली बार समुद्री तूफानों के लिए चेतावनी सिस्टम बनाया गया था और कलकत्ता साइक्लोन सिग्नल देने वाला पहला बंदरगाह बना था। वीरांगना रानी दुर्गावती का आज के दिन हुआ था जन्म। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के राजा पृथ्वी सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। उन्होंने मध्य प्रदेश के गोडवाना क्षेत्र में शासन किया। रानी दुर्गावती ने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद पति गोड राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठा कर उनके संरक्षण के रूप में शासन किया था। वह इलाहाबाद के मुगल शासक आशफ खान से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का आज के दिन हुआ था निधन। लॉर्ड कॉर्नवालिस जुलाई 1805 में दोबारा गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे, लेकिन 5 अक्टूबर 1805 को बुखार के कारण गाजीपुर में उनका निधन हो गया था। कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की और जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दे दिए थे। इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया और शक्तियों के प्रतिकरण के सिद्धांत पर आधारित कॉर्नवालिस कोड तैयार कराया था। कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाना बनाकर दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ।